मटेरियल जो मुझे सलीम लाए थे ये बहुत प्यारा लगा, इसका मैं प्लाजो बनाऊंगी बनाऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी बनने का कैसा लग रहा है। शायद नई कुर्ती मैंने इसके ऊपर बनाई है शॉर्ट, ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो ये कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। सना की प्यारी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक हैं। तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंजर बारिश का। तो चलो अभी जाना है सन के स्कूल, देखने जाना है कि क्या उसकी कंप्लेंट है या नहीं है स्कूल में, क्योंकि अभी गैप है कि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं टेंथ के। तो चलो अभी चलते हैं सन के स्कूल। आप लोग देख सकते हैं बारिश भी हो रही है, बारिश में जाना पड़ा है मुझे स्कूल। तो मैं स्कूल से भी आ गई और नीचे कुछ काम था वो काम भी मेरा हो गया। तो अब जो सामान मैंने पैक किया था कबर्ड के बाजू में जो था वो सब थैले में जो डब्बे में पैक था उनको मैं अब मशीन जिस रूम में रखी उसमें रखवाने जा रही हूँ हुसैन से। तो यही सामान को अभी हुसैन लेके जाएगा जिस रूम में मशीन है उधर पर। तो चलो अब उधर का एरिया साफ़ कर लो जहाँ सामान रखना है। तो जहाँ सामान रखना है वो जगह को मैंने एकदम साफ़ कर दिया, अभी हुसैन को कहती हूँ कि वहाँ से सामान उठा के यहाँ पर लगा दे। ये थैले वगैरह ये सब मैंने यहाँ पे लगवा दिया है, ये सब हो गया पूरा, क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहना था हुसैन ने, तो शर्मा रहा था कैमरे में आने के लिए। तो ये जगह तो पूरी सेट हो गई है। तो थैले को हम लोग ने और बॉक्स को उस रूम में मैंने हुसैन ने मिलके सेट कर दिया। मैंने इस हाथ से तो कुछ नहीं किया क्योंकि उस दिन इस हाथ से मैंने पैकिंग के टाइम पर हाथ से थोड़ा थैले वैले खींचे तो बहुत पेन होने लगा। तो आज मैंने और हुसैन ने किया, मैं एक सीधे हाथ से और पैर से धक्का मारते हुए एक बॉक्स ले गई और एक थैला ले गई। थैले तो भारी हो गए थे मतलब। तो हुसैन क्या कह रहा है कि मम्मी इसमें क्या भर के रखा है जितना भारी है, उसकी भी हालत बुरी होगी खसखाते खसखाते। अब कह रहे बस हो गया, मैं थक गया, अभी उसको ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, उसको खाना दे दो और मैं भी खाना खा लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लंच में मैंने दाल चावल और अचार बनाए। तो खाना हम लोग ने खा लिया है, हुसैन सो चुका है, अब हुसैन को उठा रही हूँ ट्यूशन के लिए। तो देखिए कैसे आराम से सो रहा है हुसैन। ट्यूशन के लिए उठ जा बेटा, 5 बज गए, उठ जा, फिर मैं चाय बना के देती हूँ तुझे, फिर तू नाश्ता करके ट्यूशन जा। तो ये मेरी चाय है, ये हुसैन की है, हुसैन अभी खा के ट्यूशन के लिए निकल रहा है। मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊँगी। तो जैसा मैंने आप लोग बताया था कि सफाई के टाइम पे कि पोटली में कुछ मटेरियल कुछ कपड़े हैं, तो आज वही पोटली खोल रही हूँ। तो देखते हैं उसमें कौन सा मटेरियल क्या है और कौन से कपड़े कैसे हैं। तो चलो मैं खोलती हूँ पोटली, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जादू का पिटारा, अभी इसको खोल के देखते हैं पोटली को, इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है। तो चलिए, ये तो नाइट ड्रेस है, वाह ये निकल गया इसमें। हाँ ये पैंट है, ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये भी मैंने सिला, ये भी बाद में दिखाती हूँ। अच्छा मैंने बताया ये मटेरियल है, ये सब पहले मटेरियल अलग कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इतने मटेरियल निकले हैं, कुछ कुर्ते हैं रेडीमेड भी, एक कुर्ता भी है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक एक करके कपड़ा दिखाती हूँ। मटेरियल है प्लाजो है कटिंग किया हुआ और ये कुर्ता है, इनको मैं सी लूँगी तो बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी सीने का कैसा लग रहा है। प्लाजो है 8 कली का, इसमें मैंने लेस मारी सिलाई पे, ये सिली नहीं हूँ, ये आधा अधूरा है, इसको सिलना बाकी है, नीचे से भी सिलना बाकी है, सिला नहीं है नीचे भी बाकी है। तो ये सी लूँगी तब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने अभी प्लाजो दिखाया आप लोगों को, उसके ऊपर मैंने ये कुर्ती बनाई है एप्पल कट, ये कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। शायद नई कुर्ती मैंने इसके ऊपर बनाई है शॉर्ट, ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मटेरियल जो मुझे सलीम लाए थे ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसका मैं प्लाजो बनाऊँगी बनाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी बनने का कैसा लग रहा है। तो ये पूरा गाउन है, पूरा फुल गाउन है, ये मेरी लोखंडवाला में ननन रहती हैं, उन्होंने मुझे दिया था, ये रेडीमेड है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये मटेरियल नहीं है, एक दुपट्टा है, ये मम्मी के घर पे गई थी तो वहाँ से बाजार से लिया था मैंने, बहुत प्यारा लगा तो ये मैंने ले लिया था, बहुत प्यारा है। एक कुर्ती है जो मुझे मेरी दीदी ने दिया, यानी कि जन्नत की मम्मी है ना उन्होंने दिया, इसकी आस्तीन है ना इधर है, तो इसको निकाल के मैं लगाऊंगी, तो ये कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। मटेरियल ही है, ये कुर्ते का है, ये प्लाजो का है, ये भी मुझे जन्नत की मम्मी ने यानी मेरी बहन है बड़ी, उन्होंने मुझे दिया है, तो इसका जो भी बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी लेस वगैरह लगा के। ये मेरी सबसे बड़ी ननद ने दिया था मुझे 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, ये दुपट्टा है और ये कुर्ता है। पैंट तो मैंने पहले ही बना दी थी जब उन्होंने मुझे दिया था, ये भी रख के मैं भूल गई थी, तो ये कुर्ते का कपड़ा रह गया था, तब इसको भी बनाऊंगी। तो जो मैंने कपड़े आपको दिखाए कुछ मटेरियल है कुछ रेडीमेड हैं,
तो ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कि जैसा मैंने आप लोग कहा था कि पोटली में कुछ मटेरियल है तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया पोटली में कि मटेरियल भी दिखा दिया, और जो सिले हुए थे वो भी दिखा दिया, और जो रेडीमेड थे वो भी दिखा दिया। तो आप लोग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब खाना बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे बैंगन आलू बन रहे हैं और मैंने आटा गूंथ के रख और मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया है। अब फटाफट बैंगन आलू बना के रोटी बना के फिर मिलती हूँ। मैंने अंडा बनाया है और ये तो बैंगन आलू आप लोग के सामने मैंने बताया था कि ये बना है, और साथ में बनाया पराठा। अब मैं रात का खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आज तो बारिश ने बहुत ही हद पार कर दी, क्योंकि स्कूल गई थी तो भी बारिश नहीं बंद हुई, नीचे गई थी कुछ काम से तो भी बारिश नहीं बंद हुई। और जो भी था दिन भर का, मैंने आप लोगों को कहा था कि पोटली में जो कपड़े मैंने बांधे उसका मटेरियल अलग किया है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और खाना जो बनाया था बैंगन आलू वो भी मैंने दिखा लिया, खा भी लिया है खाना, और अब सोने का टाइम हो रहा है। तो बस मैं आज का अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सना के प्यार दुनिया को सब्सक्राइब कर देना। जिसने अब तक के सना के प्यार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल पर। आप जो भी नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के भी कर जाइएगा नहीं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।